बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सेशन ऑफ कैंटर पब्लिशर। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न मैथमेटिक्स 6, चैप्टर 3, लेक्चर नंबर 6। फॉर दिस पर्पस यू मस्ट हैव दीज 3 बुक्स, टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 6, रिसोर्स पैक एंड समर। हम मेन कॉन्टेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, जबकि रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको टीच करना है थ्रू एक्टिविटीज। समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं जरा बुक की तरफ। यूनिट 3, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसमें देखें टॉपिक 3.1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में है। टॉपिक 3.2 टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी है। 3.3 फैक्टराइजेशन है। 3.4 HCF, HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड 3.5 में LCM, LCM मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड 3.6 में एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं जरा आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। इसमें हम लोग एक SLO डिस्कस करेंगे। SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स टेस्ट बाय इंस्पेक्शन वेदर द नंबर्स 2 and 3 कैन डिवाइड अ गिवन नंबर। हमने यह चीज चेक करनी है कि 2 और 3 के ऊपर गिवन नंबर डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए हम कुछ रूल्स देखेंगे। चले जरा बुक के पेज नंबर 39 के ऊपर आए। यहां पर हम कुछ रूल्स को स्टडी करते हैं। ये रूल्स हमने, इनमें से कुछ रूल्स हमने ग्रेड 4 में भी सीखे थे। देखें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, देयर आर रूल्स बाय विच वी कैन चेक वेदर अ गिवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3। आज हम 2 और 3 का रूल देखेंगे। 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 and 25। दीज रूल्स आर कॉल्ड टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। रूल ए, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। आपके पास अगर कोई सा भी गिवन नंबर है उसके वंस प्लेस के ऊपर इन नंबर्स में से कोई एक नंबर आ जाए, 0, 2, 4, 6 or 8, तो वो गिवन नंबर जो है वो 2 पे डिविजिबल होगा। देखें एग्जाम्पल नंबर 4, ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इवन। इवन मींस इन नंबर्स में से वंस प्लेस पे कोई सा भी डिजिट आ जाए तो वो नंबर जो है वो 2 पे डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 4 देखें, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड वाई। देखें नंबर्स ये गिवन है, पहला नंबर चेक करें, इसका वंस प्लेस डिजिट चेक किया तो आपके पास 0 है। यस, दिस इज डिविजिबल बाय 2, द लास्ट डिजिट इज 0 विच इज एन इवन नंबर। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर देखें, द लास्ट डिजिट इज 8, सो दिस इज डिविजिबल बाय 2। एंड देन नेक्स्ट नंबर लास्ट डिजिट इज 3, सो इट इज एन ऑड नंबर, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। देयरफॉर ये रिजल्ट है, और सिमिलरली आपने ये नंबर्स चेक कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं नेक्स्ट पेज पे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। नेक्स्ट रूल, आपके पास कोई सा भी गिवन नंबर है आपने क्या करना है, उसकी डेफिनेशन पहले देखें। अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। मींस के कोई सा भी नंबर लें रैंडमली, ये मैंने यहां पर ये नंबर ले लिया 3309, तो अब मैंने क्या करना है, हर डिजिट को इसका चेक करना है कि इनको ऐड करके देखना है, जो रिजल्ट आता है वो अगर 3 पे डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 3 पे डिविजिबल होगा। एड डिजिट्स, 3 + 3 + 0 + 9 दैट इज इक्वल टू 15, सो 15 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर सो 3309 इज डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली आपने अदर नंबर्स चेक कर लेने हैं। एग्जांपल 5 देखें, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड वाई। इन सबको आप ऐड करके देखें, ऐड किया तो रिजल्ट जो आंसर आया वो डिविजिबल बाय होना चाहिए 3। अब आपके पास इन सबको मैंने ऐड किया तो मेरे पास 24 आता है, सो 24 इज इन द टेबल ऑफ 3, सो 24 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली आपने ये सारे नंबर्स चेक करने हैं और यहां पर एग्जांपल में भी किए हुए हैं, और इसी तरह
आपने चेक करके बता सकते हैं कि ये गिवन नंबर 3 पे डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि 3 जो है वो प्राइम नंबर है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पेज पे, वहां पर हमने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 3B, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। आपने 2 के लिए क्या चीज देखनी है, सिर्फ वंस प्लेस। ये जो मैंने सर्कल किए हैं डिजिट्स, ये वंस प्लेस के ऊपर डिजिट्स हैं। ये सारे नंबर जो हैं ये 2 पे डिविजिबल हैं, क्यों? क्योंकि इनके वंस प्लेस के ऊपर इवन नंबर आ रहा है। अगर ऑड होता तो वो 2 पे डिविजिबल ना होते। अब मैंने देखना है कि ये 3 पे डिविजिबल हैं या नहीं है, तो पार्ट 1 देखें। 7 + 8 + 6 + 0 + 1 + 0, इसको ऐड किया, इसका जो रिजल्ट है वो 3 पे डिविजिबल होना चाहिए। 7 + 8 = 15 + 6 = 21 + 1 = 22, सो 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो देयरफॉर द होल नंबर 7 8 6 0 1 0 इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने बाकी सारे के सारे नंबर्स चेक करने हैं, और ये आपने होमवर्क अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करके आपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। तो अब आ जाए समर पैक की तरफ। ये एक एक्टिविटी है 1, ये सारे नंबर गिवन है, डिवाइजर्स 2 है और 3 है, आपने इनको चेक करना है ये 2 पे डिविजिबल हैं या नहीं है। क्या ये 2 पे डिविजिबल है? नो। ये 3 पे डिविजिबल है। 9 + 4 कितने होते हैं? 13। 13 + 5 = 18। 18 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 18 बनता है इनका सम सब का, तो 18 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 4095 इज डिविजिबल बाय 3। यस, तो यहां पर यस और नो आपने साथ साथ लिखते जाना है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने बाकी सारे पार्ट कंप्लीट कर लेने हैं। तो अब आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट, राइट अ 6 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। एक आपने खुद नंबर बनाना है कि वो 3 पे डिविजिबल है या नहीं, रैंडमली आप बना लें, जिस तरह मैं बना के दिखाता हूं। देखें 3 + 4 + 4 + 3 कितने होते हैं? 7। 0 + 1 + 2 + 3 देखिए कितना बन गया, 3 4 0 1 2 7 8 2 8 + 2 10 10 + 3 13 13 + 2। आपने 6 डिजिट बनाना है तो यहां पर भी आप 2 लगा दें, तो आपके पास क्या चीज बनी, एक नंबर बन गया जो कि 6 डिजिट है, 3 4 0 1 2 और 2, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने आपने कोई नया नंबर बनाना है जो कि 3 पे डिविजिबल है। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, इसमें हमने एक ही SLO डिस्कस किया, वो ये था टेस्ट बाय इंस्पेक्शन वेदर द नंबर्स 2 एंड 3 कैन डिवाइड अ गिवन नंबर। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज लेसन। फिर भी ड्यूरिंग द लेसन अगर किसी चीज की समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आर नेक्स्ट क्लास विद न्यू लेसन। अल्लाह हाफिज़।